नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों की तरफ। बलरामपुर जनपद की थाना पचपेड़वा की पुलिस को उस समय एक बड़ी सफलता हाथ लगी जब वह अवैध शराब एवं मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए भारत नेपाल सीमा के समीप भारतीय गांव वीरपुर चोरसी के चौराहे पर नाकाबंदी करके खड़ी थी कि अचानक दो संदिग्ध पुरुष तथा एक महिला आते हुए दिखाई पड़े, जो पुलिस को देखते ही भागने का प्रयास करने लगे। लेकिन पुलिस टीम द्वारा घेर कर दोनों को पकड़ लिया गया। दोनों की तलाशी लेने पर उनके पास से 3 किलो 800 ग्राम अवैध चरस बरामद किया गया। दोनों का नाम पता पूछने पर पता चला कि दोनों ही पड़ोसी देश नेपाल के जिला दांग के निवासी हैं। दोनों ने बताया कि वह इस चरस को नेपाल से लाकर भारत की राजधानी दिल्ली में ले जाकर बेचना चाहते थे, लेकिन भारत की सीमा में घुसने के चंद किलोमीटर का फासला तय करते ही मुस्तैद भारतीय पुलिस के जवानों ने उन्हें दबोच लिया। SP हेमंत कोटियाल ने बताया कि बरामद चरस की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 25 लाख रुपए है। उन्होंने कहा कि दोनों अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जा रहा है। क्या कुछ कहा SP बलरामपुर ने, सुनवाते हैं आपको। पचपेड़वा पुलिस में देर शाम में एक नेपाली पुरुष और महिला को वीरपुर चौराहे से गिरफ्तार किया है। उनके पास से करीब 3.8 kg चरस की बरामदगी हुई है और उनके पास से करीब 7200 भारतीय करेंसी और कुल 47,000 नेपाली करेंसी बरामद हुई है। उनके पास से 3 फोन मिले हैं और एक चेकबुक मिली है। इसके साथ ये दोनों नेपाल के डांग के रहने वाले, इनका नाम हेमलाल और सुनीता है और ये यहाँ से इस चरस की सप्लाई कर रहे थे। दिल्ली जा रहे थे। दिल्ली में पहाड़गंज इनको सप्लाई करना था। ये बेसिकली कैरियर थे और ये जो कीमत है इस 3.8 kg चरस की, वो इंटरनेशनल मार्केट में करीब 25 लाख की कीमत रहेगी। तो ये एक अच्छा गुटबक है जो पकड़े गए हैं। इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है और इनके बाकी चैनल जो है कि लीकेजेस हम पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं।